और बहराइच एनकाउंटर पर अब सियासत भी हो रही है शुरू, और ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी का एक बयान सामने आया है और योगी आदित्यनाथ को टारगेट करते हुए उन्होंने कहा कि योगी की ठोक दो नीति जग जाहिर है, एनकाउंटर का सच सबको पता है। उन्होंने कहा ओवैसी ने कि सबूत होता तो पुलिस सजा दिलाती, तो एनकाउंटर हुआ इधर आरोपियों का, उधर हाय तौबा मच गई विपक्ष में। इससे पहले और भी कई स्टेटमेंट्स आए हैं, मैं दिखाऊंगा वो आपको आगे, लेकिन इस कड़ी में जो सबसे ताज़ा स्टेटमेंट है वो असदुद्दीन ओवैसी का है, जो खुद को मुस्लिमों का रहनुमा बताते हैं, और अब उनका ये स्टेटमेंट आया है। वो कह रहे हैं कि योगी की ठोक दो नीति जग जाहिर है। अखिलेश यादव जो कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख हैं, अजय राय जो कि यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, और इमरान मसूद जो कि कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं, वो क्या कह रहे हैं इस एनकाउंटर के बाद, बहराइच के हत्यारों के एनकाउंटर के बाद, वो देखिए। अगर एनकाउंटर से ही लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो रहा होता तो अभी उत्तर प्रदेश कई आंकड़ों में और प्रदेशों से अच्छा होता। जीरो टॉलरेंस का नारा देने वाले उन्हें खुद अपने आप पर सोचना चाहिए। ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर था, सरकार का फेलियर था कि जब वहाँ पर तय था, पुलिस की जानकारी में था, तो आखिरकार आपने शांतिपूर्ण ढंग से क्यों नहीं प्रोसेशन को ले जाने दिया या उस कार्यक्रम को संपन्न क्यों नहीं करा पाए। जो लोग एक शांतिपूर्ण तरीके से एक कस्बे गांव का या आसपास के लोगों का कार्यक्रम शांतिपूर्ण से संपन्न नहीं करा पा रहे हैं, उनसे लॉ ऑर्डर की क्या उम्मीद करेंगे आप। और फिर ये इनकाउंटर, हाफ इनकाउंटर, ये डराने के लिए हैं। आप मुझसे ना नाम बताते ना कुछ बताते तब भी मैं कह सकता था कि इनकाउंटर किसका किया इन्होंने। इनकाउंटर करना और नफरत को बढ़ावा देना, ये सरकार को नया तरीका मिल गया है काम करने का। ये अपनी सब नाकामी छिपा रहे हैं। ये पहले से फर्जी इनकाउंटर करा रही है, चाहे वो मंगेश यादव का हो, अजीत प्रताप सिंह का हो, चाहिए बहराइच, ये केवल और केवल अपने फेलियर को, अपनी कमियों को छिपाने के लिए। इसमें जो पीएम रिपोर्ट आई है रामगोपाल की, उसमें जो है उसके साथ में दर्द भी ऐसी देखिए, जो भी मैं कहता हूँ क्या कैसे उखड़े, पूरी सरकार फेल है, सरकार ने कोई इंतजाम नहीं किया और सरकार केवल और केवल दंगा कराना और फर्जी इनकाउंटर करा। सर क्या उपचुनाव में साथ में चुनाव लड़ेंगे? मिलकर दमदारी के भाजपा को हराएंगे। तो सोचना चाहिए जिन्होंने रंगाइयों ने भीड़ ने सारी दुकानें जला करके खाक कर दी। जी दंगाई तो दंगाई है। दंगाई को आप किसी धर्म के साथ क्यों जोड़ते हो? जिन्होंने दुकानें जला करके खाक कर दी, पूरी मार्केट जला दी और घरों में घुस करके औरतों के साथ बदतमीजी की, उनका भी इलाज करना चाहिए। आरोपी सरफराज की बहन रुखसार का ये कहना है कि पुलिस वाले घर से 5 लोगों को उठा कर ले गए और पुलिस पे सवाल खड़े कर रहे। मैं बहराइच केवानागंज की रहने वाली हूँ, मेरा मायका महाराजगंज में है। रविवार को जो वहां दंगा हुआ है उसमें जिस आदमी की मृत्यु हुई है उसका इल्जाम मेरे पिता और मेरे भाइयों पे आया है। मेरे पिता का नाम अब्दुल हमीद और मेरे भाई का नाम सरफराज अहमद और मोहम्मद फहीम है। उस दंगे के बाद 14 तारीख को एसटीएफ की टीम मेरे घर पहुंची और वहां केवानागंज पहुंची मेरे ससुराल, और वहां मेरे घर की तलाशी ली। जब वहां कोई नहीं मिला तो वो लोग मेरे पति ओसामा और मेरे देवर शाहिद को लेके चले गए। उसके बाद से उन लोगों का कोई अता पता नहीं चल रहा है। कल 16 तारीख को जो है मुझे गांव से कुछ पता चला कि जो है कल 16 तारीख को गांव से मुझे खबर मिली कि धर्मकांटे के पास से मेरे पापा और मेरे भाइयों को अरेस्ट कर लिया गया है। उनके साथ एक लोग और हैं, 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है, लेकिन उनका भी कुछ पता नहीं है, ना उनका कहीं कुछ दिखाया जा रहा है, किसी थाने में भी वो नहीं है, ना कोई कप्तान कुछ बता रहे हैं, ना मीडिया में कुछ पता चल रहा है। हमको डर है कि उनका फर्जी इनकाउंटर दिखा के उनकी हत्या कर दी जाएगी, और मेरे पति ओसामा और साहिब को भी मेरे पति ओसामा और साहिब की भी हत्या कर दी जाएगी।